मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यास्मिन फ्रॉम CMIS, स्टैंडर्ड 3, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, पार्ट 13, विराम चिन्ह। आपके बुक में चित्र दिए गए हैं। रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। दिए गए चित्रों के सामने लिखे दोनों वाक्य देखने में लगभग एक से हैं, किंतु दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग हैं। पहले वाक्य का अर्थ है कि रुक जाओ, जबकि दूसरे का अर्थ है कि रुको नहीं, चले जाओ। यह परिवर्तन केवल विराम चिन्ह के कारण हुआ है। जिन स्थानों पर थोड़ा रुकना होता है वहां विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा के कुछ प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, अल्प विराम, कॉमा, प्रश्न सूचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, विस्मय सूचक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, योजक हाइफ़न, निर्देशक डैश, कोष्ठक ब्रैकेट, अवतरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास, पूर्ण विराम। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, जैसे मोहन स्कूल जा रहा है। अंत में क्या लगेगा? पूर्ण विराम। हमने पत्र नहीं लिखा था, वाक्य के अंत में क्या लगेगा? पूर्ण विराम। अल्प विराम, कॉमा, वाक्य में थोड़ा रुकने की जगह अल्प विराम का प्रयोग होता है। जिस वाक्य में थोड़ा रुकना पड़े उस जगह अल्प विराम का प्रयोग होता है, जैसे पढ़ो मत खेलो, राम सीता
और लक्ष्मण वन गए। प्रश्न सूचक चिन्ह प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम की जगह प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे क्या तुम बाजार गए थे, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। राधा कहाँ रहती है, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। योजक शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सुख दुख माता पिता राजा रानी देश विदेश आदि। विस्मय सूचक चिन्ह विस्मयादिबोधक अव्ययी शब्दों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वाह विस्मय सूचक चिन्ह, अरे विस्मय सूचक चिन्ह, शाबाश विस्मय सूचक चिन्ह, बाप रे विस्मय सूचक चिन्ह आदि। निर्देशक वाक्य में बात को स्पष्ट करने में इसका प्रयोग होता है। जैसे मोहन ने अपने मित्रों डैश राकेश आकाश अविनाश से रुपए मांगे थे। कोष्ठक मीन्स ब्रैकेट किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग करते हैं।
जैसे हिमालय पर्वत उत्तर में परहरी ब्रैकेट पहरेदार की भांति खड़ा है। अवतरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखने में अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे नेहरू जी ने कहा आराम हराम है। श्याम ने कहा मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। सार संक्षेप वाक्य में रुकने के स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों के सही प्रयोग ना करने से वाक्य का अर्थ बदल सकता है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य में रुकने के स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखने में अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? वाक्य में थोड़ा रुकने की जगह अल्प विराम का प्रयोग होता है। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए तथा उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। थैंक यू।